अरोड़ के तारीखी मकाम पर गर्म सफर है और हमारे साथ साथ चल रही हैं कुछ कदीम दास्तानें। हमें इन्हीं पुरेसार दास्तानों की खोज थी। अरोड़ का ये पहाड़ी सिलसिला सूबह सिंध के मशहूर शहर सखर के करीब आके है। इन पहाड़ों से गुजरकर हमारी डेस्टिनेशन है कलका देवी का वो मंदिर जो कि एक स्टोनेज गार से भी मुंसलिक किया जाता है। स्टोनेज केव्स की खोज में मैं आज आया हूँ, 1000 साल पुराने केव कलका देवी के मंदिर में। लेट्स एक्सप्लोर। एक हिंदू औरत कलका देवी के नाम से जो मशहूर हुई, उन्होंने यहाँ पर बैठकर इबादत की और आज ये केव कलका देवी के मंदिर के नाम से मशहूर है। एक जालिम था, उसकी इबादत की थी, उसने दुआ मांगी तो मेरे को कोई नहीं मार सके, तो उसका जो खून के कचरे ज़मीन में गिरते थे उनसे ओलश्कर पैदा होता था। तो फकीर लोगों को बहुत परेशान किया, उनको कोई फतेह नहीं कर सकता था, तो उनसे तंग आ गए, तो उधर से पैदा किया अल्लाह मियाँ ने शेरावाली को, शेर पर सवारी देवी माता भी बोलते हैं, दुर्गा देवी भी बोलते हैं, उसका नाम है शेरावाली, शेर पर सवारी, इसकी वजह से शेरावाली बोला जाता है। एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ का दरमियाना हिस्सा जिसमें ये केव है, तकरीबन अराउंड 100-150 फीट डीप तो होगा। इस वक्त यहाँ पे लाइट का कुछ खास इंतज़ाम नहीं है, ऑल्दो नॉर्मली होता है लेकिन इस वक्त नहीं है, तो इस वक्त हम आपको गौर से जितना हो सकेगा, जितना मुमकिन होगा दिखा सकेंगे। इट्स अ स्टोन एज केव बिलीव टू बी अराउंड गॉड नो स्टोन एज टाइम्स का, लेकिन उसके बाद जब कलका देवी ने यहाँ पे पड़ाव डाला, उन्होंने आके यहाँ पे इबादत की, जब यहाँ पे नमूदार हुई थी वो एक बार यहाँ पे कहा जाता है, उसके बाद से लोग यहाँ पे उनकी इबादत करने आ गए और यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, जिनकी वजह से आप देख रहे हैं कि सारे स्टोन अंदर से काले हो चुके हैं। कि फ़कीर वाला उसके पास, भाई हम तो उसको मारेंगे, उनसे और लश्कर पैदा हो रहे, हम उसको फतेह नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे से मदद करें। तो उसने क्या किया, फिर काला रुख किया, काला रुख किया, उसके गर्दन काटी तो नीचे प्याला दिया, जैसे उसका खून नीचे नहीं गिरे, उसकी नहीं खून नहीं गिरने के बाद, उसका मारने के बाद इसका नाम हो गया कलका देवी। ये है उसकी आस्थान, तन्हाई की जगह अपनी देखी, ये अपना आस्थान बना के बैठी है। नो लाइट। चूँकि मंदिर या गार के इस हिस्से में फिलहाल लाइट नहीं जल रही, दिए जल रहे हैं, तो हम आपको इतना एलैबोरेट करके इसको दिखा नहीं सकते, वी विल हैव टू वेट फॉर अ बिट, और उतनी देर हम ये एरिया एक्सप्लोर करेंगे। रास्ता है जहाँ से कहते हैं कि हंगोल से नानी मंदिर से कलका देवी यहाँ पे रूहानी प्रवास करके आती हैं। अगर इस कपड़े को हटाया जाए तो पीछे एक छोटा गार है जो कि काफ़ी आगे जाके बंद हो जाता है। ये इधर से आई है, हिंगला से आई, उधर से कलकत्ता गई, और ये सारा आप देख रहे हैं कि सारा काला हुआ है अंदर से। इसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने सिर्फ यही दी है कि चूँकि यहाँ पर दिन रात 24 घंटे चिराग जलते हैं और अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, उस वजह से सारा अंदर से काला हो गया है। हार्ड टू बिलीव, बट आई मीन अगर ये 200 साल से यहाँ पे इबादत हो रही है तो फिर हो भी सकता है कि इतनी ये चिराग और इतने दिए जलाए गए, इतने दिए और इतनी अगरबत्तियाँ जलाई गई हों कि अंदर से सारी छतें काली हो गई हैं। ये केव है, उस केव में लोग जाते हैं और एक हिंदू देवी कालका के नाम से जो मशहूर है, लेकिन फ्राम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये एक केव ज़रूर है। हम ये नहीं कह सकते कि ये हिंदू देवी की बनाई हुई केव है, क्योंकि इस पहाड़ी के ऊपर के सरफेस पे हमें कुछ पत्थर के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। वो पत्थर के आर्टिफैक्ट्स पुराने पत्थर के दौर के हैं, और उस पत्थर के दौर में लोग पहाड़ों में रहते थे, गारों में रहते थे, तो उस हवाले से लोग कहते हैं कि ये पुराने पत्थर के दौर की है, लेकिन चूंकि हमें वहाँ से ना तो कोई आर्टिफैक्ट मिला है, ना कुछ कोई पेंटिंग मिली है, ना कुछ और ऐसे शवाहद मिले हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि ये जो केव है ये पुराने पत्थर के दौर की केव है। यह शुरू से ही है, जैसे दुनिया पैदा हुई तो ये शुरू से ही है।
वी हैव अ टॉर्च हैंडी जिसकी मदद से हम आपको ये गार दिखाएंगे। एक बड़े सोने गार के अंदर छोटे छोटे और गार्स हैं। एक गार वो है जहाँ से नानी मंदिर से वो परवास करके हंगोल से यहाँ आती हैं कलकत्ता देवी, और ये वो मंदिर, ये वो गार है छोटा जिससे कहा जाता है कि वो रूहानी परवास के ज़रिए कलकत्ता जाती हैं। कलकत्ता जाने के बाद अब ये मालूम नहीं किया गया कि दोबारा यहीं से वापस आके दोबारा हंगोल जाती है, बट जब उनकी परवास हो रही होती है तो उनकी एंट्री वहाँ से है और उनकी एग्जिट यहाँ से है। दिस इज़ द फाइनल एग्जिट पॉइंट ऑफ दिस नानी मंदिर स्टोनेज केव देखने जो हम आए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे स्टोन जो हैं वो सफ़ेद हैं, अंदर के सारे स्टोन काले हैं, जिससे ये बात कन्फर्म हो जाती है कि यहाँ पे इबादत कर करके और कुछ सौवों साल के दिए जला जला के ही इन पत्थरों को अंदर से काला किया गया, वरना दीज आर सपोज्ड टू बी वाइट लाइक दीज। यहाँ पे कुछ बैट्स लटके हुए हैं उल्टे, जिन पर जब आप रोशनी मारते हैं तो दे मूव एंड कहा जाता है कि कलका देवी का स्थान वो गार है जो एक तरफ हिंदुओं के कदीम तरीन मंदिर वाक़ बलूचिस्तान हंगलात से जुड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ इस गार का एक सिरा भारतीय शहर कलकत्ता तक फैल गया है। क्या वाकई इन गारों का ताल्लुक दौरे कदीम के पत्थर के ज़माने से है? क्या वाकई ये स्टोन एज केव्स हैं? These caves up here are believed to be from the stone ages. यहाँ से इंसान की सिविलाइजेशन चली और आज हम कहाँ हैं? एक गार में तो लगता है कोई मजार बन चुका है, दूसरे गार का रास्ता जरा मुश्किल है, लेकिन अप्रोच करने की मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। बहुत ही छोटा सा केव है, अंदर जाने का रास्ता नहीं है, because it would be only what 7 to 8 feet in depth. यहां पर सिर्फ बैठा या लेटा जा सकता है। ये caves believed to be from the Stone Age times, क्योंकि इन्हीं के ऊपर Stone Age times के workshops हैं। इन workshops में से Stone Age के times के samples मिले हैं, कुछ को जिनको अभी भी investigate किया जा रहा है, कुछ को किया जा चुका है और म्यूजियम में आपको मिल सकते हैं। For now, I almost stepped on the evolution of human culture. Thank you. Koji going off for now. इंसान को आसूदगी और पनाह सिर्फ गारों से ही नहीं मिली, बल्कि सूफियों की सरजमीन सिंध के चप्पे चप्पे पर फैले अल्लाह वालों के मज़ार इस हकीकत का पता देते हैं कि इस दर से फैज़ और सुकून के चश्मे जारी हैं।